युवती की हत्या के मामले में कार्रवाई न होने पर परिजनों ने बजरंग दल, भीम आर्मी व अन्य दलों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। थाना बेहट क्षेत्र के ताजपुर के अस्पताल में प्रेजेंटिंग कर रही युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस के द्वारा अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर परिजनों ने ग्रामीणों, भीम आर्मी, बजरंग दल व अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। युवती के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और अस्पताल संचालकों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है? जी, मेरा नाम शालू है। आपकी बहन की मौत कैसे हुई है, क्या पूरा मामला? सर, मेरी बहन ना ताजपुरे में नर्सिंग स्टाफ में काम सीख रही थी, तो वो सुबह ही 8:30 बजे निकल गई थी। मैम को फ़ोन आया था, बेटा जल्दी आ जाना और डिलीवरी है। वो सुबह ही 8:30 बजे चली गई 5 तारीख को, और 5 तारीख की नाइट में तो आई नहीं। नाइट में फ़ोन आ गया था कि बेटा कि यहीं पे ही रहेगी, आज डिलीवरी आई हुई है, 2 डिलीवरी है तो यहीं पर रहेगी, कोई बात नहीं। वो पहले भी रह लेती थी वहाँ पर, इसलिए वो वहीं पर रहेगी, कोई नहीं। तो हम तो आराम से सो गए पड़ के, हमें तो कोई टेंशन थी कि वो तो पहले भी रही थी तो अब भी रह लेगी। तो अगले दिन हमें सुबह ही फ़ोन आता है 10:30 बजे, 10:15 के करीब आता है, 10:30 बजे में वहाँ पहुँच गई थी। तो 10:15 बजे करीब आता है तो मैडम कहते हैं कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब, मतलब कि वहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ से फ़ोन आया, मैम का फ़ोन नहीं आया, स्टाफ का फ़ोन आया किसी का, मैं तो जानती नहीं क्योंकि मैं एक बार भी वहाँ पर नहीं गई। वहाँ से कहते हैं कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, तो मैंने बात करी कि मैंने बोला कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने फिर भी पूछा कि क्या हुआ है, मैं चलो, वो कहने लगे कि तुरंत आ जाओ, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है। मैं तुरंत वहाँ से बाइक उठाई और तुरंत वहाँ से निकल गई, मुझे 5 मिनट भी नहीं लगी देवला से ताजपुरा जाने में। तो कोई नहीं, वहाँ पे जाके देखा तो मेरे वहाँ पे स्टाफ मिला, मैंने कहा कि मेरी बहन कहाँ लगी, फिर कहने लगे तू सीमा की बहन है, मैं कहा हाँ मैं सीमा की बहन हूँ, कहने लगे बैठो अभी मिलवा रहे, मैं बैठ गई। तो उधर से मैडम आ रही थी, मेरी बहन की जो डॉक्टर जुनेबा है वो आ रही, मैंने बोला कि मैडम मेरी बहन कहाँ है, कहने लगी 1 मिनट बैठो मैं हाथ धोया हूँ, मैं ठीक है हाथ धोया हूँ जाके। वो हाथ धो के अंदर जा रही थी तो मैंने बोला मैडम मेरी बहन कहाँ है, कहने लगे 1 मिनट रुको, मैंने फिर बोला कि मैडम मेरी बहन कहाँ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मैं एकदम से तुरंत जस्ट एकदम से वहाँ पे चली गई, तो मैंने देखा कि मेरी बहन ना बिल्कुल टॉयलेट भी कपड़ों में कर रखा था और पोटी भी कपड़ों में कर रखी थी, ऐसी सनी भी पड़ी थी बहुत बुरी डाल, और मुँह पे दुपट्टा पड़ा हुआ था। तो जब मैंने देखा मेरी बहन को तो मैडम कहने लगी कि इसके पास मत लगना, मगर क्यों मत लगना, कहने लगी कि इसने टॉयलेट कर रखा है। मैं कहा कोई बात नहीं मैडम, आप इतनी गंदगी में रहने वाले हैं, आपसे इनकी सिलवार नहीं चेंज हुई। वो चुप हो गई, वो कुछ नहीं बोली। तो कोई बात, मैंने उसका सिलवार जब चेंज कर रही थी तो पहले तो मैंने उसके मुंह से दुपट्टा उठा, तब देखा कि वो पूरी नीली पड़ी हुई थी, बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी, उसके होठ भी नीले, उसके दांत भी नीले, उसकी टंग भी नीली और आँखें भी बिल्कुल नीली हुई हुई थी और वहाँ भी नीली। तो मैंने कहा मैडम इसको हुआ क्या, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो उधर से चली गई। वहाँ की जो नर्सिंग स्टाफ था, मैं जब उसका सिलवार चेंज कर रही थी, गंदी हो रही थी, तो मैं जब उसका सिलवार चेंज कर रही वो बहुत भारी हो रही थी, मैंने बोला कि मेरी कोई हेल्प कर दो, लड़की से बोला सिस्टर मेरी हेल्प कर दो, उन्होंने किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। मैंने बोला फिर से बोला कि मेरी हेल्प कर दो कि मैं उससे सीधी नहीं हो रही, उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। मैंने उसका सिलवार चेंज किया, सिलवार चेंज करने के बाद मैंने फिर से पूछा मैडम इसको हुआ क्या, कुछ नहीं, मैडम वहाँ से गायब हो गई। स्टाफ से पूछा कि सिस्टर इसको क्या हुआ, स्टाफ भी वहाँ से गायब होगा, शायद उनको बोल रखा था कि इनके पास मत लगना, इसलिए वो वहाँ से गायब होगा। मैंने कहा कि फिर बाहर जो भैया थे, मैंने उनसे बोला कि भैया मेरी हेल्प कर दो, तो जो ऑटो करवा के लाई थी, मैं ऑटो करवा के लाई, तो ऑटो में मैंने अपनी बहन को जब लेटवा तो वहाँ पे जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने मेरी हेल्प करी, और जो दुकानदार थे वहाँ पे उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने उठवा के मेरी बहन को ऑटो में डलवाया। जब उन्होंने ऑटो में डलवाया तो तब मैं अपनी बहन को लेके आ गई, मैं अपनी बहन को लेके हॉस्पिटल पहुँची, तो वहाँ पे भी पता लगा कि ये तो मर चुकी है, और मुझे वहाँ पे पता था कि वो मर चुकी है। जब मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल में चेक किया था ना, उसमें सिफा जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में जब चेक किया तो वहाँ पे देखा था कि उसकी पल्स भी नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन भी नहीं आ रही थी और बीपी भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उससे ना काफ़ी समय पहले शायद मर चुकी थी। इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं हम कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहती हूँ और उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है, और हॉस्पिटल पर बुलडोजर चला जाए। मेरा नाम मांगेराम है, मेरा गाँव मुल्लापुर कदीम पड़ता है। क्या मामला है सर? मेरी एक बिटिया है थी, जिसका देहांत हुआ, जो मार दी गई है, वो जो है शिफा जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में जो है अप्रेंटिस कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, ये IMT का उसने कोर्स किया था, वो करीबन 6-7 महीने से अप्रेंटिस कर रही थी। 5 तारीख की सुबह ही 8:30 बजे घर से गई, 9 बजे जो है हॉस्पिटल पहुँच गई। हॉस्पिटल जाने के बाद जो है रात को हमारे पास फोन आता है करीबन 8:30 बजे, तो अस्पताल की जो डॉक्टर है वो कहती है अगर आज ये है हमारे यहाँ से जो है 2 इमरजेंसी केस है, लेडीज है, केस है, बच्चा होने वाला है, इसलिए आज जो है शिवा घर पे नहीं है।
उसके बाद जो है सुबह को रात भर से हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या परेशानी थी। उसके बाद भी कई दफ़ा रह चुकी है, 7-8 महीने में से करीबन 10 बार वहाँ पर रही है, ये नहीं कोई पहली बार रही है। उसके बाद जो है करीबन जो है 10-10 बजे हमारी छोटी गुड़िया के पास फ़ोन आता है, अब तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है, इसको आ करके देख लो। जब मेरी छोटी गुड़िया वहाँ पर पहुँचती है सालू, तो वो उसकी हालत जो है वो मरी हुई पिली वहाँ पे, और हॉस्पिटल के बजाय उसे हॉस्पिटल से बाहर एक फोल्डिंग पर डाल के रखी है। रात में या दिन में? दिन में सुबह 10:30 बजे के से जब हमारी गुड़िया वहाँ पहुँची सुबह 10 बजे, 6 तारीख की सुबह 10 बजे, उस गुड़िया की हालत ऐसी थी कि उसके मान ले बाथरूम भी और लैट्रिन भी उसने कपड़ों में ही कर रखा था, इतनी बुरी हालत थी और मरी पड़ी थी। जब हमारी गुड़िया ने हेल्प मांगी उनसे कि मेरी हेल्प कर दो, तो किसी स्टाफ ने हेल्प नहीं की, बल्कि इधर उधर भागने लगे। यहाँ तक कि आसपास के जो दुकानदार हैं उन्होंने फिर गुड़िया ने एक ऑटो किया, और उसके बाद जो है दुकानदारों ने उस गुड़िया को उसमें ऑटो में लगवाया, फिर गुड़िया जो है सिटी हॉस्पिटल लेके आई। मैं तो घर पे भी नहीं था सर, मैं तो देहरादून जो है अपनी मजदूरी करने के लिए गया था विदोली में। मैं तो अपनी गुड़िया के लिए न्याय चाहता हूँ, जैसे हमारी गुड़िया के साथ हुआ, उनको फांसी मिले, सजा मिले उनको। डीएम साहब के पास हम इसलिए आए थे कि उनको उनको हमें न्याय मिले, उनको सजा मिले जो भी है। अभी तो डीएम साहब ने हमें जैसे आश्वासन दिया कि उनको उनको फिर पकड़े जाएंगे, वे जेल जाएंगे, उनको सजा मिलेगी, लेकिन जब तक कि उनको सजा नहीं मिलेगी हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो न्याय चाहिए। तो अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ? आरोपी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, उस हॉस्पिटल की जो मैडम है डॉक्टर है वो भी गिरफ्तार नहीं हुई। जब हमने उसके नाम अप्लीकेशन दी, वहाँ के जो दरोगा एसओ साहब है उन्होंने 7 तारीख में रात को हमारे पास 12:30 बजे आके प्रेशर डालते हैं, तुम लड़की को भेज दिए हो, हमें एक बात बताइए, जब लड़की को पढ़ाया लिखाया कोई कोर्स कराया तो उसे घर में बिठाने के लिए कराया? मुझे एक बात बताइए, कौन सा स्टाफ ऐसा है, कौन सा महकमा ऐसा है जिसमें लड़की नहीं है? किस महकमे में लड़की नहीं है? किसी डॉक्टरी लाइन में लड़की नहीं है, या किसी महकमा कोई भी महकमा एक बता दीजिए जिसमें लड़की नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब ने दबाव डाला? इंस्पेक्टर साहब हमारे पास दबाव डाल दिए कि तुम लड़की को भेजते क्यों हो, तुम क्यों भेजते हो रात को 12:30 बजे आके? ऊपर से हमारी दूसरी लड़की का फोन भी लेते हैं, तुम भी ये फोन दे दो, तुम्हारे फोन की रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। अरे जिसने कोई केस नहीं किया, जिसका कोई जुल्म नहीं, उसका फोन कैसे लेके जाए? वो मरी नहीं, उसे उसका जुर्म यह है कि वो अपनी बहन को उठा के लाई, अपनी बहन को उठा के लाई, ये उसका जुर्म है, ये उसका जुर्म है ना। मोबाइल भी लेके गए, इसका तो वापस दे गए, फिर उस गुड़िया का सीमा का मोबाइल भी लेके गए, मोबाइल भी वापस नहीं दिया। हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिख रहा था, रिपोर्ट तक नहीं लिखी, हम 6 बार उसके पास गए, उसने रिपोर्ट नहीं लिखी है। थाना बेहट है जी,